तो 2024 से पहले सियासत अपने चरम पर है और इसमें भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई विपक्ष की कोशिश एक कदम आगे नजर आती है। वहीं मोदी सरकार भी विपक्ष को चौंकाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। सरकार ने 18 से 22 जुलाई संसद के विशेष सत्र का आह्वान किया है। हालांकि इस सत्र का एजेंडा क्या है इसको लेकर सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सरकार इसका एजेंडा बताए। इसको लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है जिसमें न सिर्फ स्पेशल सत्र का एजेंडा पूछा गया है बल्कि उन मुद्दों को भी उठाया है जो 2024 चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है और सीधा सत्ता से सवाल पूछते हैं। लाखों लोगों से मिला, बातचीत की, मेरे पास शब्द नहीं है आपको समझाने के लिए। 145 दिन की भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन अनुभव को देश के साथ साझा किया जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अनुभव किए थे। इनमें ज्यादातर आम लोगों से जुड़े किस्से थे, उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति थी। यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था, जोड़ने का था। जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की और जबरदस्त रिस्पांस मिला है। सच बताऊं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा प्यार भरा रिस्पांस मिले। जिन मुद्दों का जिक्र भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साल भर पहले किया गया था अब वही मुद्दे 2024 के बन गए। जी हाँ, प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सोनिया गांधी ने संसद के विशेष सत्र के दौरान 9 मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की है। सोनिया की मांग है कि स्पेशल सेशन में जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों और मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती असमानता, छोटे और लघु उद्योगों के संकट पर चर्चा हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और किसानों के दूसरे मांगों पर भारत सरकार के वादों पर चर्चा हो, अडानी बिजनेस ग्रुप को लेकर हुए सभी खुलासों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए, मणिपुर में संवैधानिक व्यवस्था के फेल होने और वहां के लोगों के दिक्कतों पर चर्चा हो, हरियाणा सहित दूसरे राज्यों में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर चर्चा हो, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर चीन की तरफ से हमारी संप्रभुता को लगातार दी जा रही चुनौतियों पर चर्चा हो, जाति जनगणना की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा हो, केंद्र और राज्य के बिगड़ते संबंधों पर चर्चा हो, कुछ राज्यों में बाढ़ और सूखे के कारण प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर चर्चा हो। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके। यहां से खबर आती है कि 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, कोई बातचीत नहीं, किसी को जानकारी नहीं थी। जब कभी विशेष सत्र होता है कार्यसूची पहले तय की जाती है, पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी के जरिए पीएम मोदी को यह बताया कि विपक्षी दलों को विशेष सत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन विपक्ष इस सत्र में हिस्सा लेगा क्योंकि उसके लिए लोगों के मुद्दों को उठाने का मौका है और यही वजह है कि उन्होंने विपक्ष की प्राथमिकताएं भी बता दी। लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी बेवजह विवाद पैदा कर रही। सत्र में क्या चर्चा होने वाला है, क्या एजेंडा है, क्या बिजनेस होगा, वो परंपरा से चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, परंपरागत जब सत्र शुरू होने वाला होता है उसके पहले या तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी या फ्लोर लीडर्स की बैठक में इस पर चर्चा होती है। बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने इसको भी राजनीतिक विवादों में डालने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई विषय नहीं है, वो विषयहीन है। नेवर बिफोर कॉलिंग द सेशन नेवर इट
there was a consultation with the opposition, even when Congress government was there, and even agenda was never disclosed with the summons or 15 days in advance. Government will have its own agenda and we will share it. Whenever there is a business advisory committee, there we will share it. Whenever there is a floor leaders meeting, there we will share it. And this is happening from their time. सारा मसला 2024 की लड़ाई का है, जिसके लिए इंडिया गठबंधन आम लोगों के मुद्दों की बात कर रहा है, लेकिन ये वही मुद्दे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाए गए थे। इसलिए माना जा रहा है कि राहुल गांधी की पहले और दूसरे दौर की भारत जोड़ो यात्रा 2024 के रण में टर्निंग पॉइंट हो सकती है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए आगे क्या होगा फिलहाल कहना थोड़ा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।